सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से और इवन नॉलेज के हिसाब से भी। ये पिछले 20 साल से हर बार एक साल या नेक्स्ट ईयर उसके नेक्स्ट ईयर पूछा ही जा रहा है। 8वां का ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करो एग्जाम के हिसाब से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 2 में सिखाया था लॉ क्या होता है। जैसे साइंस के लॉ होते हैं जो तुम सब जगह पे अप्लाई होते हुए देखते हो, ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन लॉ, उसी तरह इकोनॉमिक्स के भी लॉ है जो तुम्हें पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होते हुए दिखाई देगा, जो तुम्हें सब जगह पे दिखाई देता है, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक लॉ। अभी तुम खुद मुझे बताओ, अगर मैं प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दूँ मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। और अगर मैं प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज कर दूँ तो तुम क्या देखोगे, लोग डिमांड ज़्यादा करें। और ये हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा, तो हमने देखा था टेबल के थ्रू ऐसा होते हुए। मार्केट का स्टडी किया तभी भी हमने यही देखा था, उसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बनाया, इंडिविजुअल डिमांड का, मार्केट डिमांड का, सब जगह पर तुम्हें यही देखने मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में तो छोड़ो, अगर तुम पूरी दुनिया में कोई भी जगह पर जाओगे तुम्हें ये अप्लाई होते हुए दिखाई देगा। ये कंज्यूमर का बिहेवियर है कि कंज्यूमर ऐसा ही करता है। कभी भी तुम प्राइस को इंक्रीज करोगे तो कंज्यूमर का बिहेवियर है कि वो बोलेगा कि उसे डिमांड कम करना है, और अगर तुम प्राइस को कम करोगे तो वो बोलेगा कि उसे डिमांड ज़्यादा करना है। ये जो चीज़ तुम देख रहे हो सब जगह पर, सब प्रोडक्ट में, काइंड ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसी को नाम दिया है लॉ ऑफ डिमांड। मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी सिखाया था, उसी तरह यहाँ पर तुम एक काइंड ऑफ बिहेवियर देख रहे हो कंज्यूमर का जो तुम्हें सब जगह पे दिखाई दे रहा है, हेंस दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। अभी हम लोग कभी भी लॉ पढ़ते हैं तो उसके स्टेप्स है, हम लोग पहले पढ़ते कि लॉ बताया किसने था, सेकेंड स्टेटमेंट लॉ को क्या वर्डिंग्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, फोर्थ उन्होंने जो वर्ड्स लिखे इकोनॉमिस्ट पीपल ने उसका मीनिंग क्या होता है, फिर मैथ्स के लैंग्वेज में उसको कैसे लिखा जाता है, फिर सर्टन अजम्पशंस होते हैं, सर्टन कंडीशन या शर्त होती है तभी ही वो लॉ काम करता है, डिमांड का स्केड्यूल, लॉ को प्रूफ करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं, एंड एंड में है डिमांड का कर्व, डायग्राम का भी यूज़ करते हैं। सो हम ये सारी चीज़ों को पूरा करेंगे तभी तुम्हारा लॉ कंप्लीट होगा। सो लेट्स स्टार्ट बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग लॉ का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ये लॉ बताया किसने था।